मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। बहुत अच्छी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले थे कि असहमति लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी होती है, लेकिन जब जब हम इनसे किसी फैसले से असहमत हो जाते हैं तो सीधे हमारे ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज देश का किसान सड़कों पर है, एक भी शब्द ना मुख्यमंत्री जी के मन से ना देश के प्रधानमंत्री जी के मन से निकला, 170 किसान शहीद हो गए। मनोहर, एक नया प्रचलन चल गया है इस समय मैनेजमेंट का। भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट के सहारे सब साधना चाहती है, चाहे टीवी का मैनेजमेंट हो, चाहे अखबार का मैनेजमेंट हो, चाहे सोशल मीडिया का मैनेजमेंट हो, चाहे अभी कल एक कानून आया है लिखावट वाला, चाहे उसका मैनेजमेंट हो, चाहे मानव विधायकों के खरीद फरोख्त का मैनेजमेंट हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने मैनेजमेंट के सहारे लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, लेकिन मानव न जाने कितने लोगों की कुर्बानी के बाद ये लोकतंत्र बहाल हुआ है। इन्होंने मैनेजमेंट के सहारे ही पांडिचेरी, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल और यहां तक कि पिछली बिहार में भी तोड़ फोड़ करके सरकार बनाते हैं। मानव लोकतंत्र को लगातार लोकतंत्र को कुठाराघात कर रहे हैं। अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया है। मानवर, मैं पूछना चाहता हूं, जब इस हाउस से आप निकलते हो तो इसके सामने कितनी खूबसूरत इमारत बनी है, लोक भवन किसने बनवाया, मैं पूछना चाहता हूं। यदि चंद कदम आगे बढ़ते हो तो मेट्रो बनी है, इसको किसने बनाया है, 1 इंच यदि आपने बढ़ाया हो तो बता दीजिए। यदि इसके आगे जाइए तो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना है जो इकाना भगवान विष्णु के नाम से था, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम में आपने कर दिया है। इसके अलावा सिग्नेचर बिल्डिंग बनी है जिसमें ब्यूरोक्रेसी बैठती है, इनको आपको पता है। इसके अलावा JPNIC बनी है, इसके अलावा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, आपने चला नहीं पा रहे हो। मनोहर, आप काम पूछ रहे हो हमने क्या किया, ये बताइए हमने क्या नहीं किया है। डीजीपी ऑफिस में सिग्नेचर बिल्डिंग बनाया है। मान्यवर, ये काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों का काम गिनाना जानते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप समय बहुत कम दिए हैं, मैं एक बात अपनी बोलना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है किसानों के लेकर के, मैं बोल नहीं पाया था। मान्यवर, ये लाल टोपी के बारे में बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि लाल टोपी, पीली टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी, न जाने क्या बोले थे। मान्यवर, हम किसान के बेटे हैं, हमारे नेता का नाम है धरती पुत्र जो धरती से पैदा हुए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं जब तक ये लाल टोपी है ये देश सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि कोई एक अपना, प्रधानमंत्री महोदय के सिर्फ 2 मित्र हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक ये लाल टोपी है तब तक इस देश और प्रदेश को हम अफगानिस्तान और अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। इसलिए भी नहीं बनने देंगे क्योंकि जितने कानून बनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ धन्ना से और कुछ पूंजीपतियों को खुश करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं मानवर एक शेर कहना चाहता हूं कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को।